हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल नया कुकिंग स्टाइल में एक और नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च की एक नई रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, शिमला मिर्ची की इस नई रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा केजी करीबन शिमला मिर्ची को इस तरीके से बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। एंड इसके बाद हमने इस तरीके से ओनियन को इस तरीके से बड़े पीस में कट कर लिया है इस तरीके से। और इसमें यहाँ पर हमने आधा केजी करीबन दही ले ली है, उसमें हमने हल्का सा धनिया ऐड कर लिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, जैसे मेथी, हमने राई ली हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने जीरा लिया हुआ है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सौंफ पाउडर ले लिया है। एंड यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ले ली है, यहाँ पर कसूरी मेथी। तो दोस्तों, ऑनियन को इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीस में इस तरीके से चॉप कर लिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर को चॉप कर लिया है इस तरीके से। एंड उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। उसके बाद हम इसमें ऑनियन को डीप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च को ऐड कर लेंगे, तो हल्के से डीप फ्राई करेंगे इस तरीके से। कच्चे की सहायता से इसको चलाते जाएंगे ताकि ये जो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोस्तों, ध्यान रहे इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको डीप फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च यहाँ जो है डीप फ्राई हो चुका है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे ऑयल में मेथी दाना डाल दिया है। उसके बाद इसमें जीरा ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने राई ऐड कर ली है। उसके बाद इसमें हमने सौंफ पाउडर ऐड कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से इसको कड़छी की सहायता से चलाते जाना है ताकि जो अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। तो दोस्तों, जितने हमारे खड़े मसाले जो हैं यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए ऑनियन ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसको कटिंग करते से चलाते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह ऑनियन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। एंड उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे करीबन आधा चम्मच। एंड उसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको कटिंग करते से इस तरीके से चलाते जाएंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लाल मिर्ची यहाँ पर मुझे थोड़ा कम सी लगी, तो इसलिए मैंने एक चम्मच लाल मिर्ची इसमें और ऐड कर दिया है। करीबन दो चम्मच लाल मिर्ची आप इसमें ऐड कर लीजिए। एंड उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। एंड उसके बाद इसको कच्ची सहायता से चलाते जाएंगे ताकि मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद टमाटर को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर ग्रेवी बन जाए। एंड उसके बाद इसमें हम एक से दो चम्मच बेसन डाल लेंगे। दो बड़ी चम्मच बेसन ऐड करना
फिर उसके बाद उसको इस तरीके से चलाते जाएंगे ताकि अंडे फूल अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरीके से इसको कच्चे की सहायता से चलाते जाना है। दोस्तों उसके बाद इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही में हमने हल्का सा धनिया ऐड कर लिया था ताकि हमारा दही जो है इसमें डालने के बाद फटे ना। और उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। उसके बाद इसमें दही ऐड करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से मिर्ची की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके से चलाते जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेना है। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, करीबन आधा गिलास, छोटे गिलास से एक गिलास पानी आप ऐड कर सकते हैं ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी बने और गाढ़ी बने। तो दोस्तों उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद इसको पर्ची की सहायता से मिक्स कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसमें हमने डीप फ्राई किया हुआ ऑनियन एंड डीप फ्राई किया हुआ कैप्सिकम ऐड कर लेंगे इसमें। एंड इसके बाद इसको इस तरीके से अच्छी सहायता से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो है ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तरीके से इनको आपस में मिक्स कर लेना है। इसको कच्चे की सहायता से हम चलाते जाएंगे। इस तरीके से इसको कच्चे की सहायता से चलाते जाएंगे। तो दोस्तों करीबन 5 मिनट के हम इसको ढक ढक लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी शिमला मिर्च की नई रेसिपी बनके यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इस तरह की रेसिपी अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कुकिंग से जुड़े वीडियोज़ देखने मेरे चैनल पर नए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।